मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग शिखाज हैप्पी लाइफ। और मैं हमारे ब्लॉग में आप लोगों का वेलकम करती हूँ। आई होप कि आप सब बहुत हेल्दी बहुत ज़्यादा खुश होंगे। और मौसम इतना खूबसूरत हो चुका है तो ऑलरेडी खुशी लिए तो बात एक्स्ट्रा वाली है। मतलब इस सीज़न में ऐसा मौसम होना, मतलब हमारे साइड ना कल शाम को खूब तेज़ बारिश हुई तो खूब तेज़ बारिश सुबह से भी हो गई थी। और मैं जब उठी ना तो बारिश हो रही, मौसम इतना अच्छा हो गया जैसे लग रहा था कि बारिश का ही मौसम है। मैं वापस हो गई ऑफिस होने के बाद आज उठी हूँ 8 बजने के बाद ही उठी, मेरा नींद खुला है और मेरा आँख से दिख रहा होगा ना। और अभी हो गया टाइम अभी 10 बजने वाला, क्योंकि हम लोग फिर उठ के सबको ही बैठ के मस्ती मार रहे थे। क्या कहूँ, मतलब सुबह उठ के सबके बकवास, मतलब सब बैठ के ना चटरपटर मार रहे थे 1-2 घंटा। उसके बाद जाके कहीं उठे हैं और अभी जस्ट मैं जाऊँगी खाना ना देखती क्या बनाना है। और ये हमारा चुटकू महाराज, ये पीछा नहीं छोड़ता इतना बदमाश। मैं अंदर जाऊँ, मैं दौड़ के अंदर जाती ना, मेरे दौड़ते तक मेरा एक कदम गया नहीं रहता। ये पहले जाके ऐसे देखते रहता है, ऐसे बदमाश हो गया है। जहाँ जहाँ जाओ वहाँ वहाँ साथ जाएगा इसको। क्या चाहिए तेरे को? इसके आग के नीचे फिर लग गया, फिर इतना लड़ाई करते ना कि बताऊँ क्या। कल छूट गया था, कल ना कुछ काम कर दिया कुछ, मैं कल इसका हल्दी नहीं लगा, तभी डेली इसके मैं हल्दी और ऑयल कर मिक्स करके लगा देती हूँ। देखने देखो इसको, ये कम था जो अब ये भी ऐसी हो गया है। और मौसम बहुत सुंदर हो गया, बहुत ही अच्छा मौसम हो गया है। हाय, बस अब जाएंगे अपना काम स्टार्ट करेंगे, चलते हैं, क्योंकि मैं कॉफ़ी वगैरह भी नहीं पीऊँ जाती पहले। सबसे पहले कॉफ़ी बनाती हूँ यार, सच्ची मेरे को याद ही नहीं आता कॉफ़ी नहीं पीऊँ, पहले कॉफ़ी बनाया जाता है। और ये महाराज ना पीछे कहाँ गए, देखो ना, देखो ना, अरे मैं पहुँचूँ ना पहुँचूँ, इसको पहले पहुँचना ज़रूरी है। ये देखो पहले पहुँच जाएगा, मैं दौड़ के भी जाऊँगी ना तो वो पहले घुस जाता, पता है। देखो ना कहते पहले जा रहे, क्या है बिस्किट तो दी हूँ, मेरे को मीठा नहीं देना, लेकिन अभी सुबह से कुछ था नहीं तो बिस्किट दे दी उसको। क्या है, चने पे बैठ, देखना ये देख रहा हूँ, ये देखो, नहीं टुक तू मदमाशी मत कर, मतलब मैं घुसू ना घुसू, चल बाहर निकल, ओए चलो बाहर निकलो, हेलो बाहर निकल जा बेटा, बाहर निकलना, गुड ना, देखो अयो टुक टुक तेरा नाखून चुभ रहा है, अरे इसका नाखून इतना तेज हो गया ना। देखो क्या है, चुप कर जा, बैठ जा भी। करना तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करूँ, इसको भी देखता है ना, ये बड़े ध्यान से, कल बैठी थी इसके साथ लेके बाहर में, उसको लेके उसको बड़े ध्यान से देख रहा था, है ना टुक टुक को बड़े ध्यान से देख रहा था बेटू। चलो भाई आप बैठो, हम चलते हैं खाना बनाने, आज खाने में बनने वाला है इसलिए खाने में बनेगा चिकन की सब्जी बनेगी, पहले उसको और उसको कुछ दे देती हूँ टोस्ट वगैरह, दो बिस्किट दी हूँ उसको, यहाँ से देखो मैं इधर आई हूँ, छुपी हूँ ताकि मत देखे, अभी उतार के आई हूँ। क्या करूँ, बस किचन में आ गई हूँ और अभी सब्जी ये खाने को बन रहा है चिकन, तो बस उसी की तैयारी चल रही है। प्याज वगैरह काट लिए, मसाला तो भून ली हूँ, बस भैया आने गए हैं और नाश्ते में ढोकला हो चुका है, आज के नाश्ते में ढोकला बना था, ढोकला खा लिया, मैं भी खाई हूँ तो आराम से खाओ, आराम से खाओ, फटाफट पहले काम खत्म कर लेते हैं, डेढ़ सौ कुटना और फिर इतना आलस आलस लगता है ना, दिन भर आलस लगता है, दिन भर आलस। तो मौसम भी इतना अच्छा है कि ऐसा लगा कि ऑफिस जहाँ के और बस सो जाओ, जब ऐसा मौसम है
मैं इसके लिए प्याज वगैरह काटती हूँ, प्याज चार काटती हूँ, बड़ा बड़ा प्याज, और अदरक लहसुन डालना है, टमाटो काटना है। मैं सोचा कि बिरयानी बनाने के बहुत दिनों से बिरयानी नहीं बनाई, बट देखते हैं मेरे क्या मन है। चिकन खाने का मन होता तो चिकन खाएंगे, नहीं तो फिर बिरयानी में बहुत टाइम लगता है यार। मतलब आपको ना अभी हो रहा है आप कह रहे हैं सर, वो आराम से 3 से 4 घंटा बिरयानी बनने में टाइम लेता ही होता है। मतलब आराम से 4 घंटा मान के चलो, आराम से 4 घंटा रिपेयरिंग में इतना टाइम लगता है, उसके बाद फिर उसको दम करो उसमें टाइम लगता है। बहुत जब बहुत अच्छे से मन हो और बहुत सारा टाइम हो तब बिरयानी बनाओ, अदरवाइज ना जल्दबाजी में बिरयानी ना बनाओ, उससे जो सब्जी खराब हो मेरा अच्छा। तो मम्मी लोग कहते हैं कल सैटरडे था तो कल बारिश हो गई थी शाम को, तो बारिश मार्केट नहीं जा पाए थे, तो आ जाइए तो आवाज में ना घर के पीछे सब्जी मार्केट लगता है, तो बस मम्मी लोग वहाँ से सब्जी लेके आए हैं, माजर जी की खाती क्या लेके आए हैं, करेला केला टमाटो धनिया और ये भाजी है, इसमें क्या क्या लेके आए पता नहीं, धनिया है इसमें भी भाजी है, इसको क्या भाजी बोलते हैं पता नहीं, लेकिन बहुत टेस्टी लगता है वाला भाजी। चलिए भाई अपने का मसाला भून गया है, ये बस इसको ग्राइंड करना है, इसको बस ग्राइंड करूँगी, उसके बाद फिर ये सब ग्राइंड करूँगी और क्या है। आलस लग रहा है, आलस आलस आलस, फटाफट कर लेती हूँ, ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं किसने भी, तो आज सोच रही थी सब। मैं खा रही हूँ ढोकला, एग्जॉस्ट फैन चल रहा है, पंप चल रहा है, तो इतना तेज आवाज है ना, क्यों बोलूंगी तो समझ में नहीं आता, तो मैं बता रही थी कि मैं बनाने जा रही हूँ कि 12:30 होने वाला टाइम, देख रहा पता भी नहीं चल रहा आज तो टाइम बिल्कुल पता नहीं चल रहा, मौसम देखो ना बाहर का कैसे है, बारिश हो रही है, पता नहीं चल रहा कि 12:01 बजने वाला है। तो बस मैं सब्जी में सारे मसाला डाल दी हूँ और आराम से धीरे 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 सिम कर दी हूँ, आराम से धीरे धीरे भूनता रहेगा तब तक मैं नमकीन पर जाऊँगी। गीजर ऑन कर दी क्योंकि आज ठंडी है, क्योंकि बारिश कल से हो रही है, पानी एकदम ठिकटाक चट्टा से ठंडी है मैडम, तो बस गीजर ऑन कर दी हूँ, मैं नहा के निकलती हूँ, उसके बाद फिर बाकी का काम करेंगे। मम्मी आज नहीं नहाएगी ना, वो नहीं नहाएगी ना, जाना नहाना, मम्मी नहीं नहाऊंगी बोलती बेटी कैसे नहाएगी, बट नहाऊंगी यार, बस जाहिर है नहाने तो जिसे तो पानी गर्म हो ही चुका है, बस घूसती खुराक से और खुराक से निकलती, बस ठंडी में नहाना, बाय बाय।